नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ संस्कृत ग्रामर से आपको मैं वचन, पुरुष और लिंग ये तीनों के बारे में समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं वचन से। तो वचन क्या होता है संस्कृत में? जो वचन होते हैं, वचन जो होते हैं संस्कृत में, वो होते हैं आपके तीन प्रकार के, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इंग्लिश में जो आप देखेंगे तो इंग्लिश में आपका सिंगुलर एंड प्लूरल होता है, लेकिन संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होता है। एक वचन का मतलब क्या होता है? एक वचन का मतलब होता है जो एक का बोध करा है। जो किसका बोध करा है? एक का बोध करा है। जैसे कोई एक बंदे की बात हो रही है, जैसे कि राम की बात हो रही है, तो राम है, एक बंदे की बात हो रही है। जैसे इंग्लिश में हम कहेंगे तो ही सी इट, ये जो कहेंगे इसको हम कहेंगे आपका यहाँ पर एक वचन। जैसे ही वह, जैसे हम हिंदी इंग्लिश में वह, जो वह होता है इंग्लिश में, जो संस्कृत हम बोलते हैं इसको सहा बोलते हैं, सा बोलते हैं, इस तरीके से। इसमें संस्कृत में आपको पता ही होना चाहिए कि जो वह के लिए, जो लड़के के लिए सहा यूज़ करते हैं, लड़के के लिए सा यूज़ करते हैं। तो उसी तरीके जो एक का बोध करा है उसको कहा जाता है एक वचन। जो दो का बोध करा है, जो दो लोगों का बोध करा है, इसको बोध, बोध मतलब दो लोग, द्विवचन, दो लोगों का बोध कराता है उसको कहा जाता है द्विवचन। जैसे कि राम है को मैं रामाऊ लिखूंगा, है ना, जिस तरीके से। जैसे ते मतलब बे दोनों, बे दोनों, इसमें संस्कृत में हमेशा दो के लिए एक स्पेसिफिकेशन होता है, वो है द्विवचन। फिर आता है बहुवचन। बहुवचन भी साफ सिंपल सी बात है, प्रूलर जिसको बोलेंगे, प्रूलर मतलब आपका सबके लिए, जो दो से ज़्यादा हो, दो से ज़्यादा हो, दो से ज़्यादा। जैसे कि आपका बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग, जैसे जैसे तहा मतलब बेसब, बेसब, तानी, इस तरह के वर्ड, बहुत सारे लोग, जैसे बहुत सारे लोग जहाँ पे आएंगे, प्रूलर जिसको कहेंगे वहाँ पे आएगा आपका बहुवचन। तो इसी के साथ संस्कृत में ये वचन होते हैं जो हमें ध्यान रख। हाँ, तो लिंग, लिंग मीन्स क्या होता है संस्कृत में? अगर कोई भी जेंडर के बारे में स्पेसिफिकेशन में, अगर कोई जेंडर के बारे में बता रहा है, जैसे कि वो एक लड़का है या लड़की है या कोई टेबल है, नॉन लिविंग थिंग है, जो जिसमें जान नहीं होती है, अगर उसके बारे में बता रहा होता है, वहाँ पे हम इसको लिंग बोलते हैं। लिंग आपके तीन प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। पुल्लिंग का मतलब होता है जहाँ पे हमें पुरुष का भेद पता चले, पुरुष मतलब मेल की बात हो रही हो, जैसे नरह, अश्व, जैसे किसी का नाम, किसी भी लड़के का नाम, कोई भी लड़का, राम है, नर है, अश्व है, मैं पुष्पेंद्र, तो ये सब आपको क्या होंगे, इसको कहा जाएगा आपका पुरलिंग। स्त्रीलिंग जहाँ पे कोई जेंडर फीमेल की बात हो रही हो, लड़की की बात हो रही हो, जैसे हम सीता, छात्रा, इस तरह की बात हो रही है, उसको कहेंगे हम स्त्रीलिंग मानते हैं। अब आता है नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग का मतलब होता है नॉन लिविंग थिंग, जो नॉन लिविंग थिंग, ना जो मेल हो ना फीमेल हो। जो नपुंसक लिंग मींस, जैसे टेबल हुआ, जिसकी जिसमें जान नहीं होती, नॉन लिविंग थिंग होती है, जैसे टेबल हुआ, वन, जैसे मैं बोल दूँ बनम, बनम हो गया, इस तरीके से हम कोई भी जो नॉन लिविंग थिंग की बात करते हैं जिसमें जान नहीं होती, उस चीज़ के लिए, जैसे हम पौधों के लिए बात करेंगे, जैसे हम टेबल, कर्टेन, जिसकी कुर्सी, चेयर, इन सब की बात करेंगे, तो वो नपुंसक लिंग कहलाएगा। अब इसके बाद हम आते हैं पुरुष पे, जो कि बहुत ज़्यादा संस्कृत में, अगर आपको अच्छी संस्कृत बोलनी है या उसकी ग्रामर जाननी है, तो उसका आप लोग पुरुष बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए। चलिए तो हम पुरुष पढ़ते हैं। देखिएगा, संस्कृत में तीन तरह के पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। कितने तरह के पुरुष होते हैं आपके? पुरुष, पुरुष आपका पहला होता है प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष। दूसरा होता है मध्यम, मध्यम पुरुष। और तीसरा होता है उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। ये तीन पुरुष जो होते हैं ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है संस्कृत में, इनका मीनिंग जानना, इन चीज़ों को जानना। प्रथम पुरुष वो होते हैं, प्रथम पुरुष हमेशा जिसके बारे में बात की जाती है। जैसे मैं कहूँ कि राम खाना खाने गया है, तो किसके बारे में बात हो रही? राम के बारे में बात हो रही, उसको कहेंगे हम प्रथम पुरुष। तो हमेशा जिसके बारे में कहा जाए वो क्या कहलाता है? आपका प्रथम पुरुष कहलाता है। अब आता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष होता है हमेशा जो सुनता है, जो बंदा आपकी सुन रहा है, उसको कहते हैं आपका मध्यम पुरुष, सुनने वाला मध्यम पुरुष कहलाता है।
ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष कौन होता है? उत्तम पुरुष होता है कहने वाला। कौन होता है? कहने वाला कौन होता है? कहने वाला आपका उत्तम पुरुष होता है। तो इस तरीके से समझ में, प्रथम पुरुष जिसके बारे में कहा जाए, मध्यम पुरुष सुनने वाला मध्यम पुरुष कहलाता है, और आपका जो कहने वाला जो होता है वो क्या कहलाता है? आपका उत्तम पुरुष। तो ये चीज़ यहाँ पे नहीं होती, एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट हुई है। अगर आपको संस्कृत में, अगर आपको पुरुष के बारे में जो मेन चीज़ जो जाननी है वो ये चीज़ है कि जिससे संस्कृत में बोलते क्या है इन चीज़ों को, तो मैं आपको एक बारी बारी से समझाऊंगा चीज़ों को। देखिएगा, पहले हम आते हैं प्रथम पुरुष में। प्रथम पुरुष तो यहाँ पे आपको बता दूं कि तीनों को लिंग के हिसाब से बोलेंगे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और ये आपका नपुंसक लिंग। तो देखिएगा, जैसे कि वह, जैसे आपने पढ़ा है कभी ही शी और इट, ही शी इट होता है ना, जैसे ही मतलब लड़के के लिए होता है, शी आपका लड़की के लिए होता है, इट आपका नॉन लिविंग थिंग के लिए होता है, तो इसको मतलब होता है वह है। तो आपने अभी पढ़े हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास जो वचन होते हैं वो क्या होते हैं? एक वचन, दुई वचन और बहुवचन होते हैं। तो यहाँ पे हमें तीनों की कैटेगरी में समझना पड़ेगा, जैसे कि वह, वे दोनों और वे सब। वह, वे दोनों और बे सब, तो इसको अगर हम, ये प्रथम पुरुष में आते हैं, वह, वे दोनों और बे सब। वो वहाँ पे गया, वो खाना खाने गया, वो नहाने गया है, वो इधर गया, वो उधर गया, तो इस तरीके से आपका प्रथम पुरुष में ये आते। तो पुल्लिंग, इसमें हम वह को पुल्लिंग में बोलते हैं सा, और वे दोनों को बोलते हैं तऊ, और बे सब को बोलेंगे ते। सा तऊ ते, ठीक है, सा तऊ ते। स्त्रीलिंग बोलेंगे सा ते ताहा, सा ते ताहा, और इसको नपुंसक लिंग में बोलेंगे तत् ते तानी, तत् ते तानी, तत् ते तानी। अगर जैसे अगर कोई लड़का जा रहा है, जैसे कि कोई लड़का है तो उसको बोलेंगे सहा, अगर कोई बे सब, बे दोनों, कोई दोनों ही लड़के हैं तो तऊ, और अगर बे सब लड़के हैं तो ते आएगा। अगर कोई लड़की है तो सा, अगर कोई दो लड़कियां हैं तो ते, और अगर बहुत सारी लड़कियां हैं तो तहा। अगर कोई नॉन लिविंग थिंग है, टेबल, कुर्सी, कुछ भी, पत्रम, फलम वगैरह वगैरह, तो उसमें अगर एक है तो तत्, दो हैं तो ते, और बहुत सारे हैं तो तानी, तत् ते तानी। ये आपका बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। वह, वे दोनों, बेसा को क्या बोलते हैं? पुल्लिंग में सा तऊ ते, इसमें स्त्रीलिंग में सा ते तहा, नपुंसक लिंग में तत् ते तानी, तत् ते तानी। अब आइए, ये तो हो गया आपका प्रथम पुरुष। अब हम आते हैं आपके मध्यम पुरुष पे। मध्यम पुरुष कौन होता है? सुनने वाला। तो इसको जब संस्कृत में बोलते थे होता है तुम, होता है तुम दोनों, तुम सब, या आप दोनों, आप सब, इस तरीके से। तो इसको बोलते हैं तुबम, इसको बोलेंगे युवम, और ये होता है आपका यूयम। तुबम, युवम, यूयम, तुबम, यूयम, यू, वैसे तुम यहाँ आओ, तो तुम यहाँ आओ में क्या यूज़ करेंगे? हम तुबम करेंगे। और अगर तुम दोनों वहाँ जाओ तो यूवम, तुम दोनों के लिए यूवम, और तुम सब के लिए यूयम का यूज़ करते हैं, यूयम। ये आपका मध्यम पुरुष होता है। अब आते हैं उत्तम पुरुष पे। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष में आपका होता है जो कहता, जैसे मैं, इसमें जो हम ऐसे बोलेंगे, अगर उत्तम पुरुष का मतलब होता है मैं, हम दोनों और हम सब, इसका मतलब होता है। तो मैं का मतलब होता है अहम, हम दोनों का मतलब होता है आवाम, और इसका मतलब होता है वयम। अहम, आवाम, वयम, मैं तो अहम, हम दोनों तो आवाम, हम सब तो युवाम, वयम, सॉरी, हम सब तो वयम, हम सब तो वयम। तो इसी के साथ आपका लिंग, पुरुष और वचन जो होते हैं संस्कृत में, जो बेसिक, अगर आपको संस्कृत की ग्रामर आनी चाहिए और संस्कृत आप बोल पाएंगे, अगर संस्कृत अच्छे से ग्रामर, तो उसके लिए आपको ये बेसिक्स पता होना चाहिए था, जो होते हैं लिंग, वचन और पुरुष। क्योंकि लिंग, वचन और पुरुष से ही आप विभक्तियाँ करोगे, उन्हीं से आप लकार करोगे, उन्हीं से आप सब कुछ करोगे, जो रूप परिवर्तन है, टेंस बनाना, जो इंग्लिश लकार इसको कहते हैं। तो इस तरीके जब भी आप आगे संस्कृत आपको बोलना है, तो आपको बकायदा एक मतलब का वचन, पुरुष और लिंग, इन तीनों पर बहुत अच्छा फोकस करना पड़ेगा, बहुत अच्छे से आना पड़ेगा। और इनमें कुछ भी नहीं है, जैसे कि आपने अभी देखा है वीडियो, तो वीडियो को अंत तक देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर भी कर दें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।